Welcome back friends in your channel Mining Support. Here I am discussing about RMR, rock mass rating. Rock mass rating provides a scientific study which gives the measurement of roof nature condition, which depends upon five parameters: structural layers thickness, structural features, rock weatherability, rock strength, देन ग्राउंड वाटर सीपेज. साइमल्टेनियसली इसका वैल्यू भी इसी तरह से होता है. लेयर्स थिकनेस का पैरामीट्रिक वैल्यू हमारा 30 है. फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स का, जो कि हमारा स्लिप फॉल्ट या डाइक, जो कि स्ट्रक्चरल फीचर्स होता है, माने स्ट्राटा का क्या फीचर्स है, तो उसका वैल्यू 25 दिया गया है. फिर आता है नेक्स्ट आपका रॉक वेदरेबिलिटी, जिसका 20 वैल्यू है. और स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स का 15 है. देन सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर सीपेज का 10 वैल्यू है. ठीक है, तो ये सब ओवरऑल पैरामीटर्स को मिला करके जो हमारा आरएमआर वैल्यू निकलता है, उस पर हम लोग रूफ का नेचर फाइंड करते हैं कि रॉक रूफ नेचर क्या है. गुड, फेयर, बैड, मैंने सॉरी पुअर, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड या एक्सलेंट, जो भी है. इसी में हम लोग काइंड को, इसके टाइप को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आरएमआर हमारा बोल रहा है कि डिफरेंस इन रॉक्स इन डिफरेंट लेयर. अलग अलग लेयर में हमारा रॉक्स का डिफरेंस किस तरह से है, वो भी हमारा आरएमआर ही बताता है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू डेप्थ. डेप्थ बढ़ने से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हमारा चूँकि बढ़ता ही है, क्योंकि प्रेशर ऊपर का एडजेसेंट स्ट्राटा का प्रेशर बढ़ता है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा डेप्थ बढ़ने से. एडजेसेंट और ओवरलाइंग वर्किंग्स, मेथड ऑफ वर्किंग, गैलरी स्पान एंड लेटरल स्ट्रेसेस. उसका लेटरल स्ट्रेस बढ़ने से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है. ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड है कि एडवांटेजेस ऑफ रूफ बोल्ट्स. अब इस पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रूफ बोल्ट, है ना. रूफ बोल्टिंग हम लोग अंडरग्राउंड का भी काफ़ी फेमस सपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ही मॉडर्न तरीके से किया जाता है और काफ़ी हेल्पफुल है. तो इसका फ़ायदा क्या है कि बोल्ट्स एक्ट एज एक्टिव सपोर्ट. तो रूफ बोल्ट, यदि पूछा जा सकता है कि रूफ बोल्ट हमारा एक्टिव सपोर्ट है कि पैसिव सपोर्ट है, तो जवाब क्या होना चाहिए कि एक्टिव सपोर्ट है. और इससे पहले हम बोल दिए कि सुपर कम्बेंट स्ट्राटा में, मतलब जो कि 2 मीटर तक हमारा ग्रीन रूफ कहलाता है. ठीक है, कि 2 मीटर तक हम आरएमआर को फाइंड करते हैं, ये पॉइंट दिमाग में रखना है. ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, बोल्ट एक्ट्स एज एक्टिव सपोर्ट. बोल्ट हमारा एक्टिव सपोर्ट की तरह वर्क करता है. दे अप्लाई ए पॉजिटिव प्रेशर अगेंस्ट द रूफ इमीडिएटली. अब ये बोल रहा है क्या कि दे अप्लाई ए पॉजिटिव प्रेशर अगेंस्ट द रूफ इमीडिएटली अपॉन इंस्टॉलेशन. ठीक है, इमीडिएट ये प्रेशर क्या करता है, अप्लाई करता है रूफ में. और ये रूफ को किस तरह, ना पहले हम बता चुके हैं कि ये स्ट्राटा को बांध करके मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाता है लेयर्स का. ठीक है, मैंने कंबाइंड स्ट्राटा का ये क्या करता है, एक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. ओके, मतलब कि जैसे कि 5 स्ट्राटा को यदि हम बांध देते हैं, तो उसका ओवरऑल स्ट्रेंथ उसका स्क्वायर हो जाता है. जैसे कि 5 टाइम्स हो जाता है 5 का स्क्वायर, तो 25 टाइम्स उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा यदि 5 स्ट्राटा को बांध करके हम लोग रूफ बोल्टिंग कर दिए तो. ठीक है, और इसका अकॉर्डिंगली उसका 3 थ्योरी होता है, बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी और किंग थ्योरी. ठीक है, नेक्स्ट हियर द सेटिंग लोड ऑफ ए वुडन सपोर्ट इज वेरी लो. इट बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर द रूफ सैग्स. ठीक है, लेकिन रूफ हमारा बोल रहा है क्या, द सेटिंग लोड ऑफ वुडन सपोर्ट. बोल्ट हमारा एक्टिव सपोर्ट है और वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है अंडरग्राउंड में केस में. ठीक है, और ये रूफ इमीडिएटली इंस्टॉल करने पर ये तुरंत प्रेशर को बियर करने के लिए कैपेबल होता है. ठीक है, बोरा बोल्ट्स कैन बी सेट सून आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द रूफ. और हम लोग रूफ बोल्ट को जैसे ही रूफ को एक्सपोज किए, मैंने हटाएं, खाली किए, तो तुरंत ही हम लोग उसको रूफ बोल्टिंग कर सकते हैं. इन हाईली मैकेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट रूफ बोल्टिंग मशीन्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, रूफ बोल्टिंग मशीन्स कैन बी यूज्ड. ऐसा हाईली मैकेनाइज्ड मशीन यदि है वहाँ पे, तो उस केस में हम लोग रूफ बोल्टिंग सिस्टम ऑलरेडी मशीन्स में ही इंस्टॉल होता है. जैसे कि आर्मर्ड फिश कन्वेयर जैसे कि है, उसमें हो सकता है कि रूफ बोल्टिंग सिस्टम शायद उसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है ऑलरेडी. जैसे जैसे वो बढ़ता है आगे, उसमें रूफ बोल्टिंग साथ ही साथ मैंने कर दिया जाता है. बोल रहा है कि दे डू नॉट फॉल ऑन ब्लास्टिंग इन फेसेस. ठीक है,
ये फेस ब्लास्टिंग में नहीं गिरता है, यदि ब्लास्टिंग होता है तो उस केस में भी ये रूफ को पकड़ के होल्ड किए हुए रहता है। बोल्ट्स लीव इनफ रूम फॉर मूवमेंट ऑफ मशीनरी एंड वेंटिलेशन। सबसे सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि हमारा बोल्टिंग क्या करता है कि स्पेस, फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है मशीनरी के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का मतलब कि हमको स्पेस का कमी महसूस नहीं होता है, ऐसे तो कमी रहता ही है, बट किसी प्रकार का मतलब ज़्यादा ही सावधानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्पेस मिलता है मूवमेंट ऑफ मशीनरी के लिए, ठीक है। यदि खूंटा पाटा जैसे लगा हुआ रहता तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता वर्किंग को आगे बढ़ाने में, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसे आगे बढ़ा फेस हमारा सपोर्टिंग रूफ बोल्टिंग कर दिए और फिर आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एंकरेज टेस्टिंग। तो एंकरेज टेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड के केस में है। एंकरेज टेस्टिंग क्या होता है कि एंकरेज टेस्टिंग हमारा किसको किया जाता है ना, रूफ बोल्टिंग का एंकरेज टेस्ट किया जाता है। मतलब जितना भी हम लोग रूफ बोल्टिंग करते हैं रूफ में, ठीक है, मतलब एट ए टाइम, तो उसका गिवेन हमारा 10% हम लोग सिलेक्ट करते हैं रूफ बोल्ट को, और उसका हम लोग रूफ बोल्ट एंकरेज टेस्टिंग करते हैं, जिसमें से जितना 10% लिए उसका कोई, उसका 10% मतलब जैसे उसका कोई जैसे गिवन हमारा चूजन 10% है, उसका 10% को हम लोग एंकरेज टेस्टिंग में लगाते हैं। जिसको मैंने 10% का 10% हम लोग जो करते हैं उसको लोग मैंने ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि वो कितना लोड बियर कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग एंकरेज टेस्टिंग बोल रहे हैं। द बोल्ट्स आर सेट इन होल्स बाय सीमेंट और रेजिन ग्राउट। द लोड दैट ए रूफ बोल्ट कैन टेक डिपेंड्स ऑन द ग्रिप और एंकरेज प्रोवाइड्स बाय द ग्राउट। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ग्रिप और एंकरेज ऑफ द बोल्ट्स इज नॉन एज एंकरेज टेस्टिंग। सबसे बड़ी बात है कि एंकरेज टेस्टिंग में उसका ग्रिप में कितना रूप को होल्ड किया है, पकड़ा है, उस चीज़ का जो एक टेस्ट होता है, रैंडम टेस्ट होता है, ये रैंडम टेस्ट कहलाता है एंकरेज टेस्टिंग, ठीक है। 10% सेलेक्शन का, फिर 10% को हम लोग बियरिंग ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। 10% जो हम लोग ओवरऑल रूप का जितना बोल्टिंग है उसका 10% एंकरेज टेस्ट में के लिए अंडरटेकन किया जाता है, लेकिन उसका 10% हम लोग ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, ब्रेकिंग लोड टेस्ट करते हैं, ठीक है। और 10% ऑफ द इंस्टॉलेशन बोल्ट सेलेक्टेड एट रैंडम आर सब्जेक्टेड टू एंकरेज टेस्टिंग। 9% आर टेस्टेड ऑफ द डिज़ाइन लोड एंड 1% आर सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं और यहाँ पे गिवेन वही चीज़ है। मतलब 10% लिया उसका 10% तो वही ना होगा 1%, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, 10% ऑफ द इंस्टॉलेशन इंस्टॉल्ड बोर्ड सेलेक्टेड एट रैंडम आर सब्जेक्टेड टू एंकरेज टेस्टिंग। 9% आर टेस्टेड अप टू द डिजाइन लोड टेस्ट, एंड जो भी हम 10% लिए उसका 9% जो है कि डिजाइन लोड टेस्ट किया जाता है, और 1% आर सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और वही गिवन 10% का ही हम लोग 1% हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, या तो यदि हम 10% को 100% मान लेंगे तो उसका 10% जो भी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैथ्स का अच्छा है, वो अपना आराम से समझ जाएंगे, अदरवाइज ये उसके लिए उनके लिए और भी हैंडली है कि 10% लिए उसी का 9% को हम लोग डिज़ाइंड लोड टेस्ट करेंगे और 1% को हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। एंकरेज टेस्टिंग हमारा आगे बढ़ता है क्या, एंकरेज टेस्टिंग मशीन शुड बी ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन एंड वेल मेंटेन्ड। एंकरेज टेस्टिंग मशीन हमारा क्या होता है ना, प्रॉपर डिज़ाइन का होता है और वेल मेंटेन्ड होता है। लोड शुड बी इंक्रीज्ड स्मूथली एंड ग्रेजुअली। बोला लोड शुड बी इंक्रीज्ड स्मूथली, धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग शुड बी डन अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट और अंडर मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रूफ बोल्टिंग ओवरमैन के प्रेजेंस में किया जाएगा, लेकिन एंकरेज टेस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर या तो अंडर मैनेजर के प्रेजेंस में, सुपरविजन में किया जाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ एंकरेज टेस्टिंग हेल्प्स इन रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ बोल्टिंग सिस्टम। टेस्टिंग इज नेसेसरी बिकॉज बोल्ट्स डू नॉट गिव इंडिकेशन बिफोर फेलियर अनलाइक वुडन प्रॉप्स, ठीक है। मतलब वुडन प्रॉप्स जिस तरह से हम लोग सिग्नल मैंने साइन, जैसे साइन ऑफ फ्रैक्चर या तो किसी प्रकार का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका साइन हमको मिलता है वुडन प्रॉप्स में, लेकिन इस तरह से रूफ बोल्टिंग में हमको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो सडन कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करते हैं। सबसे एंकरेज टेस्टिंग में एक डिज़ाइन टेस्ट होता है, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, डिज़ाइन टेस्ट और एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो डिज़ाइन टेस्ट गिवन 10% का 9% को डिज़ाइन टेस्ट में अंडरटेकन करते हैं और 1% को डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए, दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट बोल रहा है कि
फंक्शन ऑफ बियरिंग प्लेट। अब हम लोग जो रू बोल्टिंग करते हैं उसमें बियरिंग प्लेट दिया जाता है, तो बियरिंग प्लेट का क्या फंक्शन है? दोबारा, फुल नेम ऑफ बियरिंग प्लेट इज लोड बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रू बोल्ट असेंबली, ठीक है। बियरिंग प्लेट क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, ना, रूफ बोल्ट असेंबली का। मैंने रूफ बोल्ट जो है उसमें बियरिंग प्लेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इट हैज़ थ्री फंक्शंस। तो बियरिंग प्लेट का क्या फंक्शन है? तो पूरा इट बियर्स द लोड ऑफ द रूफ लेयर बाय सपोर्टिंग इट फ्रॉम बिलो, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम सैगिंग और ब्रेकिंग, ठीक है। मतलब क्या करता है ना, ये लोड को बियर करता है। इट बियर्स द लोड ऑफ द रूफ लेयर, रूफ लेयर का लोड को बियर करता है बाय सपोर्टिंग इट फ्रॉम बिलो, ठीक है। मैंने नीचे से सपोर्ट करते हुए रूफ लोड को बियर करता है। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम सेगिंग और ब्रेकिंग, मतलब इसको नीचे जाने से, टूटने से रोकता है कौन? बियरिंग प्लेट। इसलिए इसको, मैंने ये लोड बियर करता है, इसलिए इसका नाम हमारा बियरिंग प्लेट रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अपवर्ड प्रेशर क्रिएटेड ऑन टाइटनिंग द नट इज ट्रांसफर्ड टू अ लार्जर एरिया ऑफ द रूफ। बोल रहा है कि अपवर्ड प्रेशर क्रिएटेड ऑन टाइटनिंग द नट इज ट्रांसफर टू ए लार्जर एरिया। अपवर्ड प्रेशर क्रिएटेड ऑन टाइटनिंग द नट इज ट्रांसफर टू ए लार्जर एरिया ऑन द रूफ। दिस पॉजिटिव अपवर्ड प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रूफ रॉक इन देयर नेचुरल पोजिशंस, हैंस बोल्ट्स आर कॉल्ड एक्टिव सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। ये मतलब ये लार्ज एरिया में बियरिंग प्लेट क्या करता है कि प्रेशर को लेकर के लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि प्रेशर पर यूनिट एरिया घट जाता है, ठीक है। प्रेशर पर यूनिट एरिया घटने से क्या होता है, बियरिंग प्लेट हमारा आसानी से क्या करता है कि लोड को, रूफ रूफ के लोड को बियर कर पाता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द ग्राउट कमिंग आउट ऑफ द होल। और सबसे बड़ी बात है कि बियरिंग प्लेट देने से क्या होता है कि जो भी हम लोग सीमेंट ग्राउट या तो रेजिन ग्राउट जो भी देते हैं, तो ग्राउटिंग को नीचे से निकल जाने से अवॉइड करता है, मैंने रोकता है, वो क्लोज करता है, क्लोज पैक करता है, ठीक है। बोल रहा है क्या, RMR और रॉक मास रेटिंग इज अ जियो मैकेनिक सिस्टम ऑफ रेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमीडिएट रूफ अप टू, मतलब अप टू 2 मीटर अबव गैलरी हाइट। सबसे बड़ी बात है यहाँ क्वेश्चन एक दिमाग में डाल के रखना है कि RMR का हम लोग टेस्टिंग 2 मीटर अबव गैलरी हाइट पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स, ठीक है। हम लोग RMR का जो चेकिंग करते हैं, जांच करते हैं, 2 मीटर अबव गैलरी हाइट पे किया जाता है। मैंने पैरामीटर जो हम लोग देखते हैं ना, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ग्राउंड वाटर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, वेदराबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, ग्राउंड वाटर सीपेज, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं गैलरी के 2 मीटर अबव हाइट पे, ठीक है। RMR एक क्या है कि जियो मैकेनिक सिस्टम है, किसका ना, रेटिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इमीडिएट रूफ। इमीडिएट रूफ के स्टेबिलिटी को रेट देने के लिए, मैंने उसको मैंने बांटने के लिए, मैंने होता है ना कि उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए हम लोग, कि रूफ किस तरह है, ख़राब है कि बहुत अच्छा है, कि मैंने गुड, फेयर, वेरी गुड, वर्स्ट, इस तरह से बांटने के लिए हम लोग एक जियो मैकेनिक सिस्टम है, किसको ना, रेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमीडिएट रूफ अप टू 2 मीटर अबव गैलरी हाइट ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज लेयर थिकनेस। लेयर थिकनेस का वैल्यू हमको दिया गया है 30। फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स का वैल्यू 25 दिया है। फिर रॉक वेदराबिलिटी का पहले हम बता चुके हैं कि 20 है, और स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स का 15 है, और ग्राउंड वाटर सीपेज का 10 है। ओवरऑल मिला के हमारा 100 होता है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट जो समझने वाला है काफ़ी बारीकी से, तो बोल रहा है इफ देयर आर टू और मोर टाइप्स ऑफ रूफ रॉक्स, यदि हमारा बोला जा रहा है कि इफ देयर आर टू और मोर टाइप्स ऑफ रूफ रॉक्स कंबाइंड RMR इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिकनेस 0.8 मीटर एंड 1.2 मीटर विथ RMR 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, द RMR ऑफ द रूफ वुड बी। यदि हमारा बोल, इसमें समझने वाला चीज़ है कि दो, हमारा बोल रहा है इफ देर आर टू और मोर टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, दो या दो से अधिक टाइप का रॉक्स है, तो और बोल रहा है कि RMR जो है कि कैलकुलेटेड RMR हमारा दिया गया है दोनों टाइप का रॉक का, थिकनेस दिया है पहले 0.8 मीटर एक रॉक का, और दूसरा रॉक का थिकनेस 1.2 मीटर है, और RMR हमारा दिया गया है 40 एंड 50, ठीक है। एक रॉक का RMR हमारा 40 है, और दूसरे रॉक का हमारा RMR 50 है। तो बोल रहा है कि RMR ऑफ द रूफ वुड भी, तो उस कंबाइंड रूफ का मतलब कि एक रूफ में अलग अलग टाइप का हार्डनेस का रॉक मिल रहा है, और रॉक का RMR अलग अलग दिया है, एक 40 से, एक 50 से, और थिकनेस एक का 0.8 है और एक का 0.1.2 है। तो हम लोग ओवरऑल ओवरऑल रूफ का क्या RMR होगा वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सिंपली क्या करना है, उसका थिकनेस से, मतलब थिकनेस ऑफ रूफ से RMR को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, प्लस टोटल हमारा थिकनेस ऑफ रूफ रॉक क्या है जो बचता है ओवरऑल डिवाइड करने के बाद, तो हमारा रूफ का मैंने कंबाइंड आरएमआर निकलता है रूफ रॉक का, ठीक है। पूरा आरएमआर इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर डेप्थ। आरएमआर को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेसेस, री इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड गैलरी स्पान। गैलरी स्पान जैसे जैसे बढ़ता है, मैंने गैलरी का मैंने खुला छत, ठीक है, जिस तरह से बढ़ता है उस तरह से आरएमआर को एडजस्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, उसका वैल्यू चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। हायर द आरएमआर बेटर इज़ द रूफ स्टेबिलिटी। पहले से हम बता चुके हैं कि आरएमआर की वैल्यू जितना अच्छा ज़्यादा होगा रूफ स्टेबिलिटी उतना अच्छा होगा, ठीक है। रूफ इज कैटेगराइज एज फॉलोज, हायर द आरएमआर बेटर इज़ द स्टेबिलिटी, रूफ इज कैटेगराइज आर एज फॉलोज। सबसे बड़ी बात है कि लेस देन 20, 20 से कम होगा वेरी पुअर, ठीक है, 20 से कम वेरी पुअर, 20 से 40 हमारा तो पुअर, 40 से 60 फेयर, 60 से 80 गुड, और 80 से 100 वेरी गुड, ठीक है। एडजस्टेड आर एम आर इज़ यूज, ये वैल्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एग्जाम में आ ही सकता है, ठीक है, प्रोबेबली ये आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो लेस देन 20 वेरी पुअर, 20 to 40 पुअर, 40 to 60 फेयर, 60 to 80 गुड, 80 to 100 वेरी गुड। एडजस्टेड आर एम आर यूज एज ए सेंस एस्टिमेट रॉक लोड पर स्क्वायर मीटर ऑफ द रूफ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। हियर प्रिवेंटिंग रूफ एंड साइड फॉल एक्सीडेंट, रूफ फॉल और साइड फॉल के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, तो पूरा फ्रेक्सली एक्सपोज रूफ इज डेवलप्ड, फ्रेशली एक्सपोज रूफ इन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट शुड बी सपोर्टेड बाई रूफ बोल्ट। मतलब फ्रेशली एक्सपोज रूफ जो भी हमारा है वर्किंग फेस में, तो उसको क्या करते हैं ना, तुरंत ही हम लोग जहाँ तक हो सके उसको रूफ बोल्ट से सपोर्ट किया जाता है। मेथड ऑफ सपोर्ट सेल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एम आर ऑफ द रूफ बोल्ट, ठीक है। मेथड ऑफ सपोर्ट सेल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एम आर, ठीक है। सपोर्ट मेथड हम लोग किस तरह से चूजिंग करते हैं ना, आर एम आर के वैल्यू बेसिस, ठीक है। मेथड ऑफ सपोर्ट सेल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एम आर ऑफ रूफ बोल्ट। रूफ बोल्ट का हमारा मैंने आर एम आर हमारा रूफ का यदि बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि वो हमारा रूफ बोल्ट के लिए प्रीफर करें, लेकिन बहुत ख़राब है तो चॉक हो, कॉग हो, ठीक है, स्टील हो, स्टील आर्च हो, गार्डर हो, बहुत सारा सपोर्ट है, सफारी सपोर्ट है, तो कोई भी सपोर्ट को हम लोग आर एम आर के बेसिस पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फ्रेशली एक्सपोज रूफ सेल बी सपोर्टेड इमीडिएटली अपॉन एक्सपोजर टू प्रिवेंट इट सैगिंग। फ्रेशली एक्सपोज रूफ को इमीडिएटली उसको सपोर्ट किया जाता है किसके लिए ना, टू अवॉयड, किसके लिए ना, टू अवॉयड प्रिवेंट ऑफ टू अवॉयड और टू प्रिवेंट इट्स सैगिंग। मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं या तो प्रिवेंट करते हैं सैगिंग को, सैगिंग माने झुकाव को बंद करने के लिए, छत का झुकाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली एक्सपोज रूप में हम लोग इमिडिएटली सपोर्ट करते हैं। ओवरमैन शैल इंश्योर दैट होल्स फॉर बोल्टिंग आर ऑफ करेक्ट डेप्थ, ठीक है। ओवरमैन इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारा बोल्टिंग किया जा रहा है वो करेक्ट डेप्थ में हो, जितना डेप्थ 1.5 मीटर दिया गया है तो उसी में 1.5 मीटर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ड्रिवन एट राइट एंगल्स टू द बेडिंग प्लेन, और सबसे बड़ी बात की रूप बोल्ट के लिए जो होल किया जाएगा वो राइट एंगल टू द बेडिंग प्लेन होगा, ये बात इंश्योर करना है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो भी हमारा रूप बोल्ट के लिए होल किया जाएगा वो हमारा करेक्ट डेप्थ में होना चाहिए, और साथ ही साथ वो राइट एंगल टू द बेडिंग प्लेन्स होना चाहिए, ठीक है, तब उसका होल्ड ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। रूप सपोर्ट गैंग एंड ड्रेसर सेल भी गिवन इंटेंसिव ट्रेनिंग, एडिक्वेट नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट सेल बी ऑल्सो बी ट्रेंड सो दैट इन देयर एबसेंस अनट्रेंड लोडर्स आर नॉट इंगेज फॉर रूप बोल्टिंग, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का सपोर्ट बोल्टर जो भी है उन लोग को अच्छे से इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि उन लोग को अच्छे से अपना काम आए, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, कोई मतलब एक्सीडेंट कॉज ना हो, इसके लिए उन लोग को इंटेंसिव ट्रेनिंग के दौरान हम लोग मतलब कोर्स ऑफ ट्रेनिंग उन लोग को व्यवस्था करते रहना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई अनलोडर या मतलब अनट्रेंड लोडर को सपोर्ट रूप सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं लाना है, ठीक है। रूप सपोर्ट का एक अलग गैंग और ड्रेसर होना चाहिए, ठीक है। बोल्ट सेल बी ऑफ करेक्ट डायमेंशन, जो भी बोल्ट है वो बोल्ट का डायमेंशन फिक्स होना चाहिए। थ्रेड्स ऑफ नट सेल बी क्रॉसपॉन्ड टू दैट ऑफ बोल्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ग्राउट सेल बी इंश्योर्ड। बियरिंग प्लेट मस्ट बी यूज, बियरिंग प्लेट को हमेशा इस्तेमाल करना ही है। नट सेल बी टाइटेंड विद द टॉर्क रेंच आफ्टर द ग्राउट है सेट,
10% of the bolt shall be subjected to anchorage testing and the result shall be analyzed to review effectiveness of bolting. ठीक है, रिजल्ट को एनालाइज किया जाएगा बोल्ट के इफेक्टिवनेस को जानने के लिए. द गोफ एज इन डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी प्रॉपरली फेंस्ड सो दैट नो बडी कैन इंटर इट. ठीक है, मतलब गोफ एज जो है कि डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से फेंस करके रखा जाएगा. किस लिए ना, इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति अननेसेसरीली वहाँ पे एंटर ना करे. ठीक है, गोफ एज को डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से फेंसिंग करके रखा जाएगा. अटेंशन शैल बी पेड इन ड्रेसिंग ऑफ ओवरहैंग्स एंड साइड्स. ठीक है, ओवरहैंग या तो साइड अच्छे से ड्रेसिंग करके रखा जाएगा, और यदि नहीं किया गया तो उसमें किसी अच्छे से तरह से उसका अटेंशन मैंने ध्यान रखा जाएगा, व्यक्तियों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा उसकी ओर. ठीक है, सपोर्ट शैल बी ऑफ पेंड बाय सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवल ओनली. ठीक है, सपोर्ट को केवल खोला जाएगा सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवर से. ठीक है, SYLVESTER सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवर सपोर्ट से. ठीक है, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवर से केवल. ठीक है, सपोर्ट सेल भी ओपेंड बाय सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवर से केवल. ठीक है, ड्रेसर सेल भी प्रोवाइडेड विथ साबल एंड बंटन ऑफ एडिक्वेट लेंथ. ड्रेसर जो भी है उन लोग को अच्छे से एक सबल दिया जाएगा या तो बंटन जो एडिक्वेट पर्याप्त लंबाई का होगा. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट माइनिंग सरदार शैल इंस्पेक्ट द वर्किंग अकॉम्पेनेड बाय सपोर्ट मिस्त्री टू नोट सपोर्ट टू बी टाइटेंड एडिशनल सपोर्ट टू बी प्लेस आफ्टर ब्लास्टिंग ही शैल इंस्पेक्ट रूफ एंड साइड्स ऑफ द इंटायर डेंजर जोन एंड मेक इट सिक्योर. ठीक है, और इसको अच्छी तरह से सिक्योर रखा जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइनिंग सरदार होंगे जो कि सपोर्ट किसी प्रकार का ढील डाल है तो उसको टाइट किया जाएगा. सपोर्ट मिस्त्री को लेकर के वो निगरानी करेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार का सपोर्ट को टाइट करना है या तो एडिशनल सपोर्ट देना है, इस बात पे इंश्योर रखेंगे वो. गैलरी शैल नॉट बी अनड्यूली वाइडेंड. गैलरी को अनड्यूली वाइडेंड नहीं किया जाएगा, चौड़ा नहीं किया जाएगा अपर्याप्त रूप से. वर्क ऑफ क्लियरिंग द रूफ फॉल शैल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ द ओवरमैन. ठीक है, रूफ फॉल यदि कहीं पे हो रहा है उसके काम को. ठीक है, वर्क ऑफ क्लियरिंग द रूफ फॉल शैल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ ओवरमैन. ओवरमैन के प्रेजेंस में रूफ फॉल यदि कहीं हो रहा है तो उसको जांच किया जाएगा ओवरमैन के प्रेजेंस में. ठीक है, गैलरी शैल नॉट बी अनड्यूली वाइडेंड. वर्क ऑफ क्लियरिंग द रूफ फॉल्स, रूफ फॉल्स यदि कहीं पे हुआ है तो उसको क्लियर करने का जो भी काम है सुप ओवरमैन के प्रेजेंस में होगा. टेस्टिंग एंड रूफ सपोर्ट सेल स्टार्ट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल एरिया. रूफ सपोर्ट या तो टेस्टिंग जब भी है उसको एक सब पर्याप्त डिस्टेंस से किया जाएगा. टेम्प्ररी सपोर्ट सेल भी सेट एज रिक्वायर्ड. फिर उसके बाद बोल रहा है कि रेजिन ग्राउटेड बोल्ट्स जो भी हमारा उसको देखते हैं. बोल रहा है क्या, रेजिन ग्राउटेड बोल्ट्स आर सिमिलर टू सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट्स. ठीक है, रेजिन ग्राउटेड बोल्ट्स जो भी हो सिमिलर सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट्स है, लेकिन बट इंस्टेड ऑफ सीमेंट ग्राउट है रेजिन ग्राउट को जो कि हम लोग बोलते हैं केमिकल ग्राउट. रेजिन ग्राउट को हम लोग बोलते हैं केमिकल ग्राउट. इज यूज फॉर फिक्सिंग द रूफ बोल्ट. ठीक है, ये क्विक फिक्सिंग करता है रेजिन ग्राउट. ठीक है, और साथ ही साथ ये वाटरी होल्स में भी हमारा ये यूजेबल है. दे टेक मोर लोड, ड्राई क्विकली एंड सर्व वेल इवन इन वेट सिचुएशन. सीमेंट ग्राउट बोल्ट टेक लॉन्गर टू ड्राइव एंड ब्लास्टिंग कैंट बी डन अंटिल दे आर सेट. दे कांट कंट्रोल स्टार्टर डिफॉर्मेशन विच इज मैक्सिमम इन फर्स्ट टू आवर्स ऑफ रूफ एक्सपोजर. ठीक है, बोल रहा है क्या, दे कांट कंट्रोल स्टार्टर डिफॉर्मेशन विच इज मैक्सिमम इन फर्स्ट टू आवर्स ऑफ रूफ एक्सपोजर. ठीक है, तो तीन सीमेंट हमारा आधा घंटा में 3 टन लेता है, 2 घंटा में 5 टन लेता है, और 12 घंटा में वो 12 टन, 10 से 12 टन लेता है. ठीक है, मैक्सिमम लोड लेता है. तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या दे आर अफेक्टेड बाय वाटर एज इट वाशिस अवे द सीमेंट. ठीक है, ये पानी में सीमेंट कैप्सूल घुल के नीचे धोआ के नीचे आ जाता है. ठीक है, DGMS हैज डायरेक्टेड टू यूज रेजिन ग्राउटेड बोल्ट्स वेयर RMR ऑफ रूफ बोल्ट रूफ रॉक इज 40 और लेस. ठीक है, DGMS हम लोग को यह निर्देश दिए हैं कि कहीं पे RMR यदि रूफ रॉक का 40 या 40 से कम है, मतलब वो पुअर केस में आता है ना, 0 to 20 हमारा वेरी पुअर है और 20 to 40 पुअर टाइप का रूफ है, तो उस केस में हमारा रेजिन ग्राउटेड बोर्ड्स को ही यूज़ किया जाएगा. ठीक है, और वेयर देयर इज सीपेज ऑफ द वाटर फ्रॉम रूफ से कहीं वाटर सीपेज हो रहा है तो उस केस में हम लोग को रेजिन ग्राउटेड बोर्ड्स रूफ बोल्ट का ही यूज़ किया जाएगा. ठीक है, कॉजेज ऑफ बोल्ट फेलियर कब होता है और उसके लिए क्या कॉज है. बोला बोल्टिंग पैटर्न डिफेक्टिव.
सबसे बड़ी बात है कि बोल्टिंग पैटर्न यदि कहीं पे डिफेक्टिव टाइप का है तो उस केस में रूफ बोल्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न नॉट डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ RMR ऑफ द रूफ रॉक, बोल्टिंग पैटर्न जो है रूफ RMR ऑफ रूफ रॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि रूफ बोल्टिंग का जो पैटर्न है वो RMR पर डिपेंड करता है। पैटर्न नॉट मॉडिफाइड विद द चेंज इन नेचर ऑफ रूफ, ठीक है। नॉट रूफ का नेचर यदि डिपेंड चेंज हो रहा है तो पैटर्न को भी मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेसिव गैलरी विड्थ, गैलरी विड्थ यदि अधिक चौड़ा है तो उस केस में भी रूफ फॉल हमारा दिखता है, ठीक है। या तो रूफ बोल्टिंग डिफेक्टिव हो जाता है, यूजेबल नहीं हो पाता है बढ़िया से, उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। रूफ नॉट सपोर्टेड सुन आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। रूफ को तुरंत सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। रूफ नॉट सपोर्टेड सुन आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। साथ ही साथ बोल रहा है डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। डिफेक्टिव क्वालिटी से बोल्ट यदि कहीं पे लगाया गया तो उस केस में भी रूफ बोल्ट फेलियर हो सकता है। थ्रेड्स नट बियरिंग प्लेट और कैप्सूल यदि अच्छे से नहीं है, थ्रेडिंग अच्छा से नहीं है, नट किसी प्रकार का डिफेक्टिव है, तो सारी बातों को ध्यान में देना है, ठीक है। बोल्ट्स थ्रेड्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है। हो सकता है कि ट्रांजिट करते समय घुसाते समय बोल्ट का थ्रेडिंग खराब हो गया हो। रॉन्ग ड्रिलिंग होल टू लॉन्ग और टू शॉर्ट भी खराब है, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होल हम लोग कर दिए तो उस केस में भी ख़राब है, और बहुत छोटा भी किए तो भी ख़राब है। इन रॉन्ग डायरेक्शंस डायरेक्शन भी फैक्टर है, एंड नॉट इन प्रॉपर डिस्टेंस एज पर डिज़ाइन, ठीक है। इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ फास्ट एंड स्लो कैप्सूल्स, स्लो सेटिंग कैप्सूल्स, इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ फास्ट एंड स्लो कैप्सूल्स, स्लो सेटिंग कैप्सूल्स इंसर्टेड फर्स्ट इन द होल, ठीक है। स्लो सेटिंग कैप्सूल जो भी है उनको पहले इंसर्ट किया जाएगा होल में, ठीक है। सीमेंट कैप्सूल नॉट प्रॉपरली मेड वेट, ठीक है। अच्छे से बोल रहा है कि यदि हो सकता है कि सीमेंट कैप्सूल यदि प्रॉपरली अच्छे से भींगा हुआ नहीं है तो उस केस में भी हमारा रूफ बोल्ट फेलियर हो जाने का चांस होता है, ठीक है। इसलिए सीमेंट कैप्सूल को अच्छे से पानी में फुलाया जाता है। टाइटनिंग द नट बिफोर द ग्राउट हैज सेट, अच्छे से नट को टाइटनिंग किया जाएगा जब तक कि ग्राउट सेट ना हो। इनएडिक्वेट और नॉन यूनिफॉर्म टाइटनिंग ऑफ द नट बिकॉज ऑफ नट नॉट यूजिंग टॉर्क रेंच, टॉर्क रेंच को नहीं इस्तेमाल करने से अच्छे से टाइट नहीं ले पाता है तो उस केस में फॉल होने का चांस है, फेलियर होने का चांस है रूफ बोल्ट। यूज़ ऑफ सीमेंट एज ग्राउटिंग मटेरियल इन वाटरी स्ट्राटा और इन वीक स्ट्राटा ऑफ RMR लेस देन 40, ठीक है। हम पहले से बता चुके हैं कि हम लोग सीमेंट ग्राउट यदि हम लोग मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं जिसका RMR वैल्यू 40 से कम है तो फिर वो भी फेलियर है, वो बेकार है, यूज़ नहीं करना है उसको। यदि उस यूज़ कर रहे हैं तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। नॉट कीपिंग अ चेक ऑन इफेक्ट इफेक्ट इफिसेसी या तो नॉट कीपिंग अ चेक ऑन इफाकी ऑफ बोल्टिंग बाय एंकरेज टेस्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट या टिम्बर सपोर्ट, ठीक है। टिम्बर सपोर्ट हम लोग देखते हैं तो टिम्बर सपोर्ट्स आर हैवी बल्कि कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग ऑफ शॉर्ट लाइफ एंड इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ इनडेफिनिट स्ट्रेंथ एंड यूज ऑफ टिम्बर्स इन्वॉल्व्स कटिंग ट्रीज देयरफॉर दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्टील सपोर्ट। टिम्बर सपोर्ट में लार्ज अमाउंट का ट्री कटिंग होता है जिसके कारण उसको अवॉइड किया जाता है और उसके जगह पे स्टील सपोर्ट को एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। दे आर स्टिल यूज इन मैनी सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल कॉक्स एट गोफेज एंड जनसन, ठीक है। दे आर स्टिल यूज इन मैनी सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल कॉक्स एट गोफेज एंड जनसन। कॉक का इस्तेमाल अभी भी वर्तमान समय में भी हो रहा है गोफेज में या तो जनसन में, ठीक है, कॉक का। फिर बोला टू क्रॉस बार्स ऑन कॉक्स एट रूफ लेज, ठीक है। रूफ लेज कहीं पे है, ठीक है। रूफ लेज में दो क्रॉस बार इस्तेमाल किया जाता है, टू क्रॉस बार ऑन कॉक्स, ठीक है। दो क्रॉस बार कॉक के ऊपर खड़ा किया जाता है, टू क्रॉस बार्स ऑन कॉक्स, कहाँ पे ना, रूफ लेज में। वर्टिकल प्रॉप्स विथ लेगिंग एट पिलर साइड हैविंग टेंडेंसी टू स्पेल, ठीक है। वर्टिकल प्रॉप्स विथ लेगिंग्स, वर्टिकल प्रॉप्स को खड़ा किया जाता है, वर्टिकल प्रॉप्स विथ लेगिंग्स एट पिलर साइड्स, पिलर के साइड में हैविंग टेंडेंसी टू स्पाल, ठीक है। स्पॉल होने का ज़्यादा चांस कहीं है यदि रूफ का तो उस केस में हम लोग वर्टिकल प्रॉप्स को खड़ा करते हैं विथ लैगिंग, लैगिंग दे करके, ठीक है। पूरा इंक्लाइंड स्टे प्रॉप टू सपोर्ट ओवरहैंग्स, ठीक है। इंक्लाइंड स्टे प्रॉप्स, स्टे प्रॉप दिया जाता है इंक्लाइंड करके, इंक्लाइंड स्टे प्रॉप्स टू सपोर्ट ओवरहैंग्स, ओवरहैंग्स कहीं लटका हुआ है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इनका इंक्लाइंड स्टे प्रॉप्स जो भी टिम्बर का ही सपोर्ट होता है। सपोर्ट ऑफ फॉल्ट स्लिप ब्रेक्स इन रूफ बाय कॉक्स ऑन आइदर साइड्स विथ क्रॉस बार अक्रॉस देम। सपोर्ट ऑफ आइसोलेटेड स्पॉट्स
इन रोडवे बाय प्रॉप्स, क्रॉस बार और कॉक्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है, आइसोलेटेड स्पोर्ट यदि है रोडवे का कहीं तो उसको प्रॉप्स से या क्रॉस बार से या तो कॉक से सपोर्ट करते हैं एट टेम्प्ररी सपोर्ट, और कहीं एज ए टेम्प्ररी सपोर्ट देना है तो उसमें हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोरा स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिम्बर सपोर्ट, तो प्रॉप्स का हमारा जो डायमीटर है प्रॉप डायमीटर एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर, प्रॉप का डायमीटर कम से कम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। बोरा है क्या, प्रॉप्स डायमीटर एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर, सेट ऑन साउंड फाउंडेशन एंड कीप टाइट अगेंस्ट द रूफ लीड, विड्थ नॉट लेस देन प्रॉप डाया, थिकनेस एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर, वैन सेट ऑन सैंड शैल बी ऑन फ्लैट बेस पीस नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर थिक एंड 50 सेंटीमीटर वाइड, 75 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सेट नॉर्मल ऑन फ्लोर इंक्लाइनेशन एक्सेप्ट इन स्टीप फ्लोर वेयर प्रॉप शैल बी बिटवीन द वर्टिकल एंड नॉर्मल ऑफ द फ्लोर। कॉक्स का हम लोग देखते हैं, कॉक क्या है, कॉक जो है कि मेड ऑफ रेक्टेंगुलर स्लीपर, यहाँ पे जानकारी रखने वाला बात है क्या कि कॉक जो है कि बना हुआ होता है रेक्टेंगुलर स्लीपर से ऑफ एटलीस्ट 1.2 मीटर। कॉक्स का कॉग एक क्या है, रेक्टेंगुलर स्लीपर है, रेक्टेंगुलर स्लीपर है जो कम से कम 1.2 मीटर लंबा होता है और टू अपोजिट साइड्स जॉगल्ड फ्लैट, और दोनों अपोजिट साइड को अच्छे से जॉगल्ड किया जाता है। ठीक है, काटा जाता है फ्लैट। ठीक है, सेट ऑन नेचुरल फ्लोर विथ कॉर्नर प्रॉप्स वेन सेट एट गो फेज और इन द हाई गैलरी। कॉक को कहाँ दिया जाता है, तो एक कॉक एक रेक्टेंगुलर स्लीपर है जो कि 1.2 मीटर कम से कम लंबा होता है और टू अपोजिट साइड जॉगल फ्लैट, और दोनों अपोजिट साइड को अच्छे तरह से फ्लैट रखा जाता है। सेट ऑन नेचुरल फ्लोर विथ कॉर्नर प्रॉप्स वेन सेट एट गो फेज और इन द हाई गैलरी। ठीक है, गो फेज में कॉर्नर प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं कॉक का, या तो हाई गैलरी यदि कहीं पे है तो वहाँ पे कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस बार सपोर्टेड ऑन प्रॉप्स और कॉक्स और इन 0.5 मीटर डीप होल्स इन साइड ऑफ पिलर। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे किया जाता है ना, सपोर्ट कॉक क्रॉस बार को सपोर्ट कहाँ कहते हैं, सपोर्टेड ऑन प्रॉप्स और कॉक्स और इन 0.5 मीटर डीप होल्स इन साइड ऑफ पिलर्स। 0.5 मीटर डीप होल्स हम लोग करके साइड ऑफ पिलर पे सपोर्ट करते हैं क्रॉस बार्स को। ठीक है, सपोर्ट ऑन प्रॉप्स क्रॉस बार क्या होता है, प्रॉप्स पे सपोर्ट होता है और कॉक्स पे। ठीक है, साथ ही साथ बोल रहा है क्या, और इन 0.5 मीटर डीप होल्स साइड इन साइड ऑफ पिलर्स, पिलर के साइड में 0.5 मीटर डीप होल करके हम लोग क्रॉस बार लगाते हैं। टू बी प्रोवाइडेड विथ लेगिंग्स, इसमें लेगिंग्स भी डाला जाता है एंड कैप्ट टाइट अगेंस्ट द रूफ, और रूफ के अगेंस्ट हम लोग इसको अच्छे से टाइट करके रखा जाता है। ऑल टिम्बर सपोर्ट्स टू बी चेकड आफ्टर ब्लास्टिंग एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टाइटेंड टू बी रिप्लेस्ड वैन डिटोरिएटेड जब ये क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, या तो इसमें किसी प्रकार का अटैक हो जाता है मॉइस्चर का या तो पानी का, तो या तो लगता है कि वो सड़ने लगा है, गलने लगा है, तो उस केस में हम लोग टिम्बर सपोर्ट को एक्सपेल्ड करते हैं, नया लाते हैं। टू बी चेकड आफ्टर ब्लास्टिंग, किसी प्रकार का ब्लास्टिंग हो गया तो उसमें टिम्बर सपोर्ट को पहले चेक करते हैं टाइट है कि नहीं, उसको जांच किया जाता है। विदड्रॉवल ओनली बाय सेफ्टी प्रॉप विदड्रॉवर, उसको विदड्रॉ करते हैं हम लोग प्रॉप सेफ्टी प्रॉप विदड्रॉवर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट, आई विल ब्रिंग सच ए इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल वीडियो रिगार्डिंग माइनिंग पर्पज़, सो थैंक्स।